Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 live on A-Sports. हम प्लीज खुदा का वास्ता है, चुप कर जाए। तुम क्यों चुप करा रही हो, उनको बोलने दो। कम से कम आज मुझे ये तो पता लगेगा इनके दिल में मेरे लिए कितना जहर है। आप बोलिए और बोलिए, जो कुछ कहना है कह दीजिए। आज तुम्हें पता है उस्मान, तुम्हारे वो सब कुछ कह देने से मेरी जिंदगी में कितनी बर्बादी फैली। उसके बाद मैं अपनी नजरों में गिर गई। मैं जानता हूं ना, उस दिन आधे अधूरे सच को पूरा जानकर मैंने कितना बड़ा गुनाह कमाया था। पल पल मरता हूं ना, मेरे पास कोई जरिया नहीं है कि मैं वक्त को पीछे ले जा सकूं। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं पलते पलते हर चीज को ठीक कर सकूं। शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे कुछ सजा देना चाहती हो, बदला लेना चाहती हो तो ले सकती। मैं किसी से क्या बदला लूंगी? मैंने तो उसी दिन सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया था जिस दिन वो वाकया हुआ था। तो फिर उस खुदा पर यकीन करवाना, उसने तुम्हारा बदला ले लिया। हम दोनों अपने हिस्से की सजा काट कर तुम्हारे सामने खड़े हैं। और जानती हो, ये रियलाइजेशन हमें वो सब ठोकरें खाने के बाद हुई। कि ये तुम्हारा दिल दुखाने की सजा। हमदान, अच्छा हुआ तुम आ गए, हम सब तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। तुम कैसे पहुंचे? आप खुद पहुंचाओ। तुमने तो भिनक भी नहीं लगने थे। Anyway, थैंक यू सो मच। जी तो चाह रहा मैं तुम्हारे गले लग जाऊं। इतने प्यार की वजह पूछ सकता हूं? मैंने जो ऐना के साथ किया, अगर तुम उसका हाथ ना थामते तो शायद इतने सुकून से मैं आना खड़ा होता। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि मैंने जितना भी आना को दुख दिया, जितने भी जख्म दिए, तुमने जरूर उसके जख्मों पे मरहम रख दिया होगा। तुम बड़े प्यारे इंसान हो हमदान, बड़े अच्छे दिल के मालिक। मैं जब भी कोई गलती करता हूं तुम उसे सुधार देते। I love you, Amda. तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ऐना ने तुम्हें माफ कर दिया। इतनी जल्दी नहीं करेगी, लेकिन बार बार मांगूंगा तो शायद कर भी दे। वैसे भी तुम हो ना मेरी सिफारिश करने के लिए।
ये ऐना का पर्सनल मामला है, उसको जो ठीक लगेगा वो अपनी मर्जी से करेगी, मैं कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल एक्सक्यूज मी, आई एम डन बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ बेटा। जी कहिए बेटा। तुम्हारा और ऐना का निकाह जिन हालात में हुआ, मैं वो दर्दनाक याद दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं जानता हूँ बेटा, उस वक्त जबरदस्ती निकाह करने पर सबसे ज्यादा ज्यादती तो तुम्हारे साथ हुई, लेकिन बेटा मैं गुस्से में इस कदर अंधा हो गया था कि मैं असल हकीकत जान ही नहीं सका। आप पुरानी बातें याद करने क्या फायदा, छोड़ें। लेकिन बेटा ये तमाम हकीकत जानने के बाद मुझे एक एहसास तो हुआ है कि मैंने अपनी बेटी का हाथ जिसके हाथ में दिया, उसकी तरबियत बहुत अच्छी हुई। तभी तो इस जबरदस्ती के रिश्ते को बेटा तुमने बखूबी निभाया। तो मेरी ऐना का चेहरा बता रहा है कि वो कितनी खुश और पुरसकून रही होगी। इसलिए बेटा मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, मुझे माफ कर देना बेटा। सारे किस्से में सबसे मजलूम किरदार तो सिर्फ तुम ही थे। सबसे बड़ी बात यह कि आपको हकीकत पता चल गई और आपने अपनी बेटी को माफ कर दिया। बस मेरे लिए यही जरूरी था और काफी भी। बेटा मैं अगर तुम्हारी इजाजत हो तो ऐना को अपने साथ लेके जाना चाहता हूं घर। ऐना पे मैंने कोई रोक टोक नहीं की कभी भी, अपनी मर्जी की मालिक है, उसको जो ठीक लगता है उसको वही करना चाहिए। अगर ऐना जाना चाहती है तो प्लीज ले जाइए। कर लो, काफी लंबा सफर है। चुप। जा रही हो आखिरकार।
ये सब कुछ आपने किया है ना। जिसने भी किया है इसे छोड़ो, जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि तुम्हारी पाक दामनी तुम्हारी बेगुनाही साबित हो गई है सबके सामने। इससे बड़ी और क्या बात होगी। अगर जिंदगी किसी मोड़ पे तुम्हें लगे कि तुम्हें मेरी जरूरत है तो बिल्कुल झिझक ना आई, बस बुला ले। जो मांगूंगी मिलेगा। बेशक है तुम्हें वैसे ही मेरे लिए बहुत कुछ किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप वो सब करिएगा जिससे आपको खुशी मिले। मेरे लिए बहुत दिन मारे आपने। शुक्रिया तो गैरों को अदा किया जाता है। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया अपने दिल से किया। अपनी बात जानती हो, मैं भी गैरों की तरह शुक्रिया अदा कर रही हूं। बस इतना करना कि अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना। तुम बहुत अच्छे हो है ना। यू डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। जो अच्छा लगे वो करना, बस हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ तुमने उठाई है ना। बाकी की जिंदगी के लिए तुम्हारे लिए दुआ को गुड लक। अपनी और शांति की शादी पे बुलाएंगे। किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता शायद। शायद गुड़िया को अच्छा ना लगे। तस्वीरें जरूर भेजूंगा तुम्हें। वो भी मत भेजिएगा, शायद शांति को बुरा लगे। जिंदगी है कितनी हंसी है फिर भी कहीं
गुस्ताखी ना हो जाए, आप बस इतने ही सवाल करें कि जिनकी सच्चाई जान के आपको शर्मिंदा ना होना पड़े बाद में। तो क्या करोगे? हाँ, करने को रह क्या गया है? रिश्ते नाते सब कुछ तो बर्बाद कर दिया तुमने। मैं तो उस लड़की में हैरान होती हूँ। मेरा ही घर मिला था दिल फेंकने के लिए। कभी किसी के साथ दिल लगाती है, कभी किसी के साथ दिल लगाती है। आप यही पे खामोश हो जाए तो बेहतर है। वो बीवी है मेरी, अब मैं उसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं सुनूंगा। मासूम लड़की है, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो अपने बेटे से जाके पूछो। कान खोल के सुन लो, ये रिश्ता सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि गुड़िया की ख्वाहिश थी, वरना तुम्हारी औकात क्या है? मेरे घर में घुस के आए तुम कैसे? ठीक कह रही हूँ, बाकी मेरी कोई औकात नहीं, और शर्म तो मुझे आनी चाहिए कि मैं यहाँ पे क्यों आ गया। बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि नए रिश्ते जुड़ने से पुराने खून के रिश्ते इस तरह से बिगड़ जाते हैं। तुम पर ट्रस्ट करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे। लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि आइंदा जिंदगी में कभी भी ये नहीं दोहराओगे जो तुमने किया है, क्योंकि अगर ये किया तुमने तो हम दोनों में सकत नहीं है बर्दाश्त करने की। बेटे,
अंकल चले मैं आप लोगों को ड्रॉप कराता हूँ। नहीं रजा, तुम जब से जेल से आए हो तुम घर नहीं गए। आंटी और गुड़िया और अंकल बहुत परेशान हो रहे होंगे। लेकिन हमदान, ये लोग कैब में वापस जाते हुए ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। मैं छोड़ा तो इनको। मैंने गाड़ी बुला ली है, ड्राइवर नीचे इंतजार कर रहा है। तुम फिक्र नहीं करो, तो अपने घर जाओ। ओके, मैं चला जाता हूँ। अगर शाम को बिजी नहीं हो तो डिनर करते हैं। आई थिंक मैं नहीं आ सकूंगा, नई जॉब ज्वाइन की है तो कुछ प्रोजेक्ट्स खत्म करने उनके। ओके, मैं चलता हूँ। अंकल, उम्मीद करता हूँ कि आपने मुझे सच्चे दिल से माफ कर दिया होगा, और अगर नहीं किया तो प्लीज कोशिश कीजिएगा। ऐसा बेटा, कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें भरने में वक्त लगता है, लेकिन तुमने मुझे मेरी बेटी से मिला के तमाम दुख दर्द दूर कर दिए हैं। खुश रहो, फिक्र नहीं करें अंकल, अब मैं आ गया हूं तो सब ठीक कर दूंगा। बातें कम करो और घर जाओ, प्लीज वी शुड गो होम। जाओ। ठीक है, मैं चला जाता हूँ इससे पहले कि तुम मुझे धक्के मार के निकालो। बाय एवरीवन। चले अब्बू। हाँ बेटा। मैं उठाता हूँ। रजा, ऐसा बेटा हुआ है वही? हम इतने परेशान हो रहे थे, लापरवाही की हद होती है। एक जरूरी काम से गया था मैं, जिसको मैं मजीद डिले नहीं कर सकता। इतना क्या जरूरी काम था कि तुम बाहर से ही चले गए बेटा? हाँ जी, आप लोगों को वो लड़की याद है ऐना, जो मुझसे मिलने यहाँ आई थी और मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। उसे हम कैसे भूल सकते हैं? हमारे घर की बर्बादी की वजह ही वो लड़की है। पहले तुम्हें अपनी चीप हरकतों से ट्रैप किया उसने, और फिर हमदान से शादी करके मेरी बेटी का दिल तोड़ दिया। और हमदान को देखें, एहसान फरामोश। हमदान ने कोई एहसान फरामोशी नहीं की, और ना ही ऐना का कोई कसूर रहा। क्या मतलब है तुम्हारा? ठीक ही कह रहा हूँ डैड, इस घर की बर्बादी की वजह ना हमदान है और ना ही ऐना, बल्कि आपका अपना बेटा रजा है। मैंने ऐना को झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा कर यहां बुलाया, फिर उसे अपनाने से इनकार कर दिया। हमदान तो उसे बाहिफाजत वापस छोड़ने गया था, लेकिन तब तक उसके अपने घर के दरवाजे उसके लिए बंद हो चुके थे, और हमदान को जबरदस्ती ऐना से निकाह करना पड़ा। इसमें उसकी अपनी कोई मर्जी शामिल नहीं थी। क्या ये सब सच है? जी डैड, ये मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो एकदम सच है।
हमदान ने मेरा भाइयों से बढ़कर साथ दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहां वो अपनी जिंदगी की कुर्बानी देते। मैं तो चाहकर भी जिंदगी भर उसके ऐसा नाथ नहीं चुका सकता। डैड, आप लोग उससे नाराज मत। आप लोगों को उससे नाराज होने की बजाय मुझे सजा देनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का इत्मान और गुड़िया का दिल तोड़ने का जिम्मेदार हमदान नहीं, मैं हूं। कम ऑन रजा, ये सब हमें वो बता भी सकता था। इतने दिन धोखे में रख के अच्छा नहीं किया उसने। कैसे बता देता मां, वो एक अच्छा राजदार होने के साथ साथ मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त भी। वो ये सब बताकर हमारी दोस्ती पर बेतबारी का दाग नहीं लगाना चाहता था। और अब मैं अपनी बेटी का क्या करूं? शीज़ अ मेस, उसका हाल देखो तुम। मामा, मैं वापस आ गया हूं एक नया इंसान बनकर। यकीन जानिए, मैं अब सब ठीक कर दूंगा। देखो बेटे, तुम पर ट्रस्ट करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे। लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि आइंदा जिंदगी में कभी भी ये नहीं दोहराओगे जो तुमने किया है, क्योंकि अगर ये किया तुमने तो हम दोनों में सकत नहीं बर्दाश्त करने की। बेटे, मैं कोई ज्यादा बड़ा दावा नहीं करूंगा डैड, लेकिन एक वादा जरूर करूंगा आप लोगों से कि जो गलतियां मैंने माजी में की वो अब दोबारा नहीं दोहराऊंगा। वक्त ने मुझे सब सिखा दिया। इन चंद दिनों में रिश्तों की कदर मुझे अच्छे से हो गई। अब मैं आप में से किसी को खोना नहीं चाहता। मुझे एक आखिरी मौका दे दे, और जो कुछ भी हो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अपने वादे पर कायम रहना बेटा, डोंट डिसअपॉइंट अस नाउ। बर्बाद करने के सिर्फ मेरी बेटी रह गई थी। मॉम प्लीज, रहने दें आप ये सब बातें, ये कोई जरूरत नहीं है। गुड़िया, मुझे कहने दो वरना आज मेरा दिल फट जाएगा। जिन हालात में हुआ मैं वो दर्दनाक याद दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं जानता हूं बेटा, उस वक्त जबरदस्ती निकाह करने पर सबसे ज्यादा ज्यादती तुम्हारे साथ हुई। बेटा, मैं गुस्से में इस कदर अंधा हो गया था कि मैं सलाह की गत जान ही नहीं सका।
लेकिन बेटा ये तमाम हकीकत जानने के बाद मुझे एक एहसास तो हुआ है कि मैंने अपनी बेटी का हाथ जिसके हाथ में दिया उसकी तरबियत बहुत अच्छी हुई। तभी तो इस जबरदस्ती के रिश्ते को बेटा तुमने बखूबी निभाया है। तो मेरी आना का चेहरा बता रहा है कि वो कितनी खुश और पुरसकून रही होगी। क्या हुआ रमजानी चाचा, खैरियत? साहब खाना खा लें। मैंने आपसे कहा तो था मुझे नहीं खाना। ऐना बीबी का हुक्म है साहब, कैसे टाल सकता हूं? और क्या हुक्म है उनका? मतलब ये कि आपके मना करने के बावजूद भी उनका हुक्म है कि आपको खाना टाइम पे देना है। बल्कि जाते हुए एक महीने का मेनू भी बनाकर गई हैं वो, जो मुझे फॉलो करना है। और क्या क्या करके गई हैं? और वो सूटों के साथ आपके टाई की मैचिंग भी रख के गई हैं। और क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, खाना खा ले, खाना ठंडा होगा। मैंने हर जगह ढूंढ ली आपकी टाई, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिल रही। मुझे लगता है आप ही कहीं रख के भूल गए। यार ड्राई क्लीन होकर जब वापस आती तो मैं थोड़ी चीजें संभालता हूँ, आप रखते हैं ना, जाके ढूंढ दें प्लीज। ढूंढ ही तो रहा हूँ साहब, लेकिन बेहतर होता कि आप आज कुछ और पहन के चले जाते। कौन सी टाई? ब्लू टाई, मेरी पहले भी काफी दफा पहनी है, इसके साथ मैच की थी। आधे घंटे में पहुंचना भी है यार, मीटिंग है। ढूंढ दें मम्मा यार, कभी चाय देखो प्लीज। अरे थोड़ा सफर कर ले, मैं देखती हूँ ना, मिल जाए। अरे कैसे मिल गई? मैंने सामने ही रखी थी, मुझे मिल गई। मेरी कबर तुमने सॉर्ट आउट की है? हाँ, वो असल में इतनी बिखरी हुई थी मुझसे रहा नहीं गया। बस मैं आपको बताना भूल गई कि आपके बेल्ट्स और टाई का मैंने सेक्शन अलग कर दिया। Thank you.
तुम कितनी प्यारी हो ऐना, काश मैंने तुम्हारी कदर की होती। आप तो बेगम है ना अम्मी, मेरी बच्ची, मैं कैसी हूँ? तुम आ गई हो ना अब जी। जैसे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं है ना, मैं सब भुला चुकी हूँ। हम एक नए सिरे से सबकी शुरुआत करेंगे। उखो से मिलो, बहुत फिक्रमंद हो रही थी तुम्हारे लिए। जीती रहो मेरी बच्ची, उसका लाख शुक्र है कि उसने हम सबको मौका दिया कि हम तुमसे माफी मांग सकें। कैसी बातें कर रही हैं बब्बू, आप ऐसे मत बोलिए प्लीज। अरे भाई, सबको भूख लगी होगी, आपका खाना लगवाओ ना भाई, इतनी दूर का सफर करके आए हैं। जी जी, बस खाना तैयार है, मैं रोटी बनाती हूँ। अम्मी आप ऐना के पास बैठो। तुम तो बैठो। मैं बनाती ना। अभी मैं देखूं कुछ बनवाया कि नहीं बनवाया इसने। Experience the thrill of PSL 9 live on A Sports.